शिक्षक का हब कहे जाने वाले सोलन में नशा लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन पुलिस ने भी ठान लिया है कि नशे का काला कारोबार व सोलन में पूरी तरह से बंद करके ही दम लेंगे। इसलिए वह लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। आज भी सोलन पुलिस ने विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के मध्य सुनसान इलाके में चल रही दवा की दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और वहां से करीबन 90 प्रतिबंधित सिरप की बोतलें बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया और मामले की जांच की जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि उन्हें लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है। उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर वे लगातार नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें केमिस्ट के दुकान से नशीली सिरप बरामद हुई है, जिसमें से एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने साथ में नशे के कारोबारियों को चेतावनी भी दी है कि वे नशे का कारोबार छोड़ दें, अन्यथा सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। सोलन की टीम्स काफी एक्टिव हैं और ये संतोषजनक बात है कि हमें पब्लिक का काफी सपोर्ट मिल रहा है। हमारी जो नशे के खिलाफ लड़ाई है, आज जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली एलआर यूनिवर्सिटी के पास जो केआर में है, वो एक एजुकेशनल हब है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर में ऐसे एनडीपीएस सब्सटेंस मिलता है, उपलब्ध करवाते हैं। हमारी टीम जब स्पेशल टीम ने वहाँ रेड किया तो उनके पास हमें 90 कोट्स पेन सिर्फ जो एक प्रतिबंधित है जिसमें कोडीन फॉस्फेट करके सॉल्ट रहता है हमें मिले। सिंस ये कमर्शियल क्वांटिटी है, भारी मात्रा है, हम इसको एनडीपीएस एक्ट में बुक कर रहे हैं और आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये इट इज अ हेल्दी साइन कि जब सोसाइटी सोच ले कि हमने नशे को जड़ से समाप्त करना है, हमारे को सोशल मेंबर्स लोग जुड़ रहे हैं, सिटीजन्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काइंडली ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहें, और जो ऐसे ट्रांजिट करते हैं, जो प्रोडक्शन है या जो सप्लाई करते हैं, हमको मिलकर इनको समाज से बाहर भगाना है।